नमस्कार, द भ्यू विचार मन्थनको यो विशेष श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामीले आजको द भ्यू विचार मन्थनको यो श्रृङ्खलालाई त्यत्तिकै विशेष भनेका होइनौँ। आजको यो श्रृङ्खला विशेष किन हो भने आज हामी भारतमा जारी रहेको लोकसभा निर्वाचनमा उठिरहेको मुद्दामा विमर्श गर्दैछौँ। भारतमा यति बेला विभिन्न चरणको लोकसभा निर्वाचन चलिरहेको छ र निर्वाचन चलिरहेका क्षेत्रहरूमध्ये एउटा सर्वाधिक चर्चाको क्षेत्र छ भारतको बिहार राज्यको बेगुसरायको क्षेत्र। बेगुसरायको क्षेत्रबाट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका छन् जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र सङ्घको पूर्व अध्यक्ष रहिसकेका डाक्टर कन्हैया कुमार। डाक्टर कन्हैया कुमारले जे मुद्दा उठाइरहेका छन् यसले भारतीय सत्ताको दिमाग खलबलिएको छ, निकै धेरै चर्चा पनि पाइरहेका छन्। उनले किन चर्चा पाइरहेका छन्, खासमा बेगुसरायमा उनले के त्यस्तो मुद्दा उठाइरहेका छन् जसले भारतभरि मध्येबाट यो क्षेत्र यति धेरै चर्चित बनायो, हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ आजको द भ्यू विचार मन्थनमा। भारतीय निर्वाचनमा बेगुसरायको क्षेत्रबाट कसले जित्छ भन्ने कुराको निर्धारण भारतीय जनता र त्यहाँको मतदाताले नै गर्नेछन्। तर हामीले यो एपिसोडमा अहिले नेपालमा, दक्षिण एसियामा र विश्वमा नै चर्चा कमाइरहेका कन्हैया कुमारसँग संवाद गरेका छौँ र हामी भारतको बेगुसराय नै पुगेर यो एपिसोड रेकर्ड गरेर आएका छौँ। अब हामी सानो एउटा रिपोर्टबाट यो कार्यक्रम सुरु गर्छौँ। हम लेकर रहेंगे आजादी, आज भारत के सर्वथा चर्चित नारा बनलवा। आजादी, आजादी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू के छात्र परिषद के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार के नेतृत्व में लाग रहल इ नारा अभिन भारतीय सत्ता पक्ष के मुड़ी दुखाई के विषय बनल बा। बिहार के बेगूसराय जिला के बिहाट कहे वाला एगो छोट गांव में सन 1987 जनवरी 13 में जन्म लेलन कन्हैया कुमार। एगो सामान्य परिवार में जन्मल कन्हैया बिहार से करीब 1000 किलोमीटर के यात्रा तय करत उच्च शिक्षा के खातिर दिल्ली के जेएनयू पुगल रलन। अध्ययन के क्रम में जेएनयू में विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष भइलन। विद्यार्थी सब बीच लोकप्रिय कन्हैया कुमार पर देशद्रोह के मुद्दा लागल रहे, ओकर कारण रहे दिल्ली के जेएनयू में अफजल गुरु के भारतीय अदालत से सुनावल गई फांसी के सजाए के विरोध में एगो कार्यक्रम के आयोजना। ओकरा लगते 12 फरवरी 2016 में तत्कालीन जेएनयू विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष कन्हैया कुमार के प्रहरी अपना नियंत्रण में लेहलक। 32 बरस के कन्हैया ऊपर देशद्रोह के मुद्दा चलावल गई। आ करीब 17 दिन के तिहाड़ जेल में रहला के बाद उनकर जमानत में रिहा भइल। उहाँ से उदाइल पीएचडी डॉक्टर कन्हैया कुमार के चर्चा विश्व भर ही हो रहल बा। अभिन भारत में लोकसभा के चुनाव हो रहल बा। कन्हैया बेगूसराय निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के उम्मीदवार के रूप में चुनावी अभियान में बारन। जेएनयू से पीएचडी उरवा के अपन निर्वाचन क्षेत्र में नेता ना बेटा चुनी कहत वोट मांग रहल कन्हैया के समर्थक भी जय कन्हैया तय कन्हैया के नारा लगा रहल बा। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के सिद्धांत नीतिया भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व के सरकार के कड़ा आलोचक के रूप में रहल कन्हैया सड़क से एगो सशक्त प्रतिपक्ष के भूमिका खेल रहल बारन। कन्हैया कुमारले हामीसँगको कुराकानीमा सुरुमै भने यो निर्वाचन उनका लागि सिर्फ चुनाव होइन, यो एउटा विचारधारात्मक लडाई पनि हो। ये एक आइडियोलोजिकल बैटल है, ये मेरे लिए सिर्फ एक इलेक्शन बन गया। यसै गरी उनले आफ्नो विचारधारात्मक लडाई भाजपाले हिन्दू धर्मको आडबाट अगाडि सारिरहेको साम्प्रदायिक फाँसीवाद अर्थात् कम्युनल फाँसिजमको डिजाइनबाट जे गरिरहेको छ त्यसको विरुद्ध सबै भारतीयहरू लाग्नुपर्ने उनले बताए। ये हिन्दू धर्म के जो सिम्बल्स
उसको यूज करते हैं हिंदुओं को सेंटिमेंटल बनाने के लिए, कि एक बार हिंदुओं को सेंटिमेंटल बना दिया जाए, फिर उसके बेसिस पे सोसाइटी में पोलराइजेशन करके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दोनों तरीके का बेनिफिट लिया जाए। दिस इज द डिजाइन ऑफ कम्युनल फैसिज्म। हामी यो कुराकानी त देखाउने नै छौँ, त्यस क्रममा हामीले बेगुसरायसम्मको यात्रा कसरी गर्यौँ र त्यहाँ बेगुसरायमा कन्हैया कुमारको निर्वाचन परिचालन गरिरहेका नेताहरू के भन्छन् त, त्यहाँका बुद्धिजीवीहरू के भन्छन्, त्यो अभियानमा संलग्न मानिसहरू के भन्छन् भनेर हामीले कन्हैया कुमारलाई पछ्याएका थियौँ। भारतीय लोकतन्त्र के महाकुम्भ लोकसभा निर्वाचन। भारत लोकसभा निर्वाचन में अभ्यस्त बाटे आ ओमे भी लोक चर्चा में बा बिहार के बेगूसराय। रामधारी सिंह दिनकर जैसन सम्मानित राष्ट्रकवि के शहर कहके चिन्हाए वाला बेगूसराय इबेरिया डॉक्टर कन्हैया कुमार जी की कम्युनिस्ट विद्यार्थी नेता हुवन चुनावी लड़ाई में बाड़न, उनकर कारण चर्चा के शिखर में बाटे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI के उम्मीदवार कन्हैया, भारतीय जनता पार्टी के गिरिराज सिंह आ महागठबंधन के उम्मीदवार तनवीर हसन के कड़ा टक्कर दे रहल बाड़न। वहाँ के चुनावी कवरेज में हमनी जनता कर्मी बेगूसराय जात रहनी सन। बीरगंज के शंकराचार्य गेट पार करत करीब 1:15 पुगनी सन भारत बिहार के रक्सौल रेलवे जंक्शन। जंक्शन में हमनी के जनरल बोगी के टिकट कटनी सन और यात्रा शुरू भइल। विभिन्न जंक्शन पार करत करीब 12:15 पुगनी सन मुजफ्फरपुर। फिर बाघ एक्सप्रेस के टिकट कटनी सन और करीब 2:45 पुगनी सन बरौनी। रेल यात्रा वहाँ भी तक रहे। टेम्पो चढ़ के पुगनी सन कन्हैया के शहर बेगूसराय 0 माइल। करीब 4 घंटा रात के विश्राम के बाद सवेरे 7 बजे टेम्पो के यात्रा से ही 1 घंटा में पहुँचने सन कन्हैया के गाँव बिहार। बिहार स्थित कन्हैया के जन्मल घर पुगला बाद युवा वृद्ध के बड़का भीड़ लागल रहे। भारत के विभिन्न शहर आ विदेश से कन्हैया के भेंट करे खातिर और उनकर भावना बुझे खातिर चुनावी अभियान में शरीक होके आयल मेहमान सब के उनकर टीम नाश्ता आ चाय पानी के व्यवस्था कैले रहे। कुछ चुनावी अभियान में खटल रहे, घर घर पहुँच के कन्हैया के प्रचार भी करत रहे लोग। दक्षिण एशिया में ही चर्चा हो रहल कन्हैया के सादा जीवन और वहाँ के परिदृश्य के चलते साचो के हमी सन बहुते मोहित भयने सन। ऐसन झोपड़ी के एक सदस्य राजनीति में नया संभावना बनल रहलन बेगूसराय खातिर। कुछ देर के प्रतीक्षा के बाद कन्हैया पड़ोसी के घर से निकलन। कुछ वृद्ध वृद्धा कन्हैया के चुनावी रणनीति सिखात रहलन, होशियार लैका जैसन कन्हैया सुनत रहलन। कुछ लोग के तक कन्हैया के साथ फोटो खिंचावे के मने ना भरत रहे। बेगूसराय में हमनी के सहयोगी नेपाल से उनकर चुनावी क्षेत्र में रिपोर्टिंग आ अंतरवार्ता लेवे खातिर आयल खबर कैला बाद कन्हैया खुशी हो दैलन। कुछ देर के बातचीत के बाद हमनी के चाय नाश्ता के प्रस्ताव कैलन। हमने चुनावी क्षेत्र में रिपोर्टिंग खातिर तैयार भेले सन। हमने संगे बैठल युवा मध्य एक रहलन अनिकेत राज। अनिकेत कहत रहलन वहाँ के लालू यादव निकट के राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक हवन, लेकिन कन्हैया के विचार से उलोक के बेगूसराय तक खींच के ले उलक। तो ये अगर बेगूसराय से अगर ये सीट अगर कन्हैया कुमार नहीं निकालते हैं तो यहाँ की जनता की भूल है। उन्हें ये पता नहीं है कि किस कैंडिडेट को वोट देना चाहिए और नहीं देना चाहिए। इस बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र की जनता की बहुत ज़्यादा ही भूल होगी और ऐसे कैंडिडेट अगर हमारे देश में नहीं जीतेंगे तो हमारे देश का राजनीति क्या होगा वो खुद ही सभी आदमी समझ सकते हैं। बेगूसराय आने का मेन मुद्दा यह है, कन्हैया कुमार ने इस चीज को, इस मुद्दे को उठाने का काम किया है कि जुमलेबाजी की सरकार है, खाली जुमला करती है, देश के अंदर आम जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है और कुछ नहीं, विकास के नाम पे 0 है, कुछ नहीं है, ठीक है। इस कारण से देश के कोने कोने से आदमी कन्हैया कुमार को सपोर्ट करने के लिए उनके घर पे पहुंच रहे हैं ताकि कन्हैया कुमार को एक विल पावर मिले कि वह जो देश हित में काम करने के लिए जा रहे हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि हम जो देश को बचाने का काम कर रहे हैं उसके पीछे मेरा देश का सारा आवाम मेरे साथ है और एक साथ मिलकर हम लोग जो है देश को बचाने का काम कर रहे हैं।
कन्हैया के रोड शो पीछा करत हमनी के पुगनी सन बखरी विधानसभा क्षेत्र। कन्हैया बाबा भीमराव अम्बेडकर के शालिक में माल्यार्पण करत रोड शो आगे बढ़ौलन। करीब 7 किलोमीटर रोड शो में बहुते के आशीर्वाद लाड प्यार आ कुछ जगह में भाजपा समर्थक के अवरोध के हटावत कन्हैया चुनावी यात्रा में आगे बढ़ते रहलन। कन्हैया के रोड शो छोड़ के हमने पुगनी सन बेगूसराय स्थित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय। वहाँ नेपाली मीडिया टोली आई जानकारी हो चुकल रहे। लोग के सम्मान प्रशंसनीय रहे। कन्हैया के निर्वाचन परिचालन टोली के SN आजाद के साथ हमने के भेंट कई सन। आजाद कन्हैया के चुनावी अवस्था पुरान कम्युनिस्ट नेता के बाईपास कर कन्हैया के उम्मीदवार बनावे के कारण के बारे में बहुते बात हमने के बतौनी है। कन्हैया जो था उसके ऊपर जो JNU से लेके और जो दिल्ली में घटनाएं घटी तो बेगूसराय के लोग समझ रहे हैं कि हमारे घर के बेटे को के साथ राज सत्ता ने जोर जुलम किया, झूठे मुकदमे लादे, दमन किया, मारपीट की, जेल भेजा। तो बेगूसराय में एक आक्रोश है यहाँ के लोगों को, और इसलिए यहाँ दलीय बात और दूसरी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म होती सी जा रही हैं, और लोगों के मन में एक भावना है कि कन्हैया मेरा बेटा है, बेगूसराय का बेटा है, और इसको दिल्ली में मोदी सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए जाना चाहिए। ये फैक्टर जो है ये सारी धाराओं को एक साथ कन्हैया के पक्ष में ला खड़ा किया है। केवल कमिटेड RSS के पीपल जो हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, विश्व हिंदू परिषद के और BJP के, वही अब केवल मैदान में हमारे खिलाफ हैं। आम लोगों का आम लोगों का सहयोग हमको इस लड़ाई में मिल रहा है। कन्हैया केवल बेगूसराय के आवाज़ नहीं है, आज की तारीख में वो देश के आवाज़ हैं, और मोदी के जो भी कट्टरता है और जनविरोधी कदम है उसके विरोध में आवाज़ बुलंद करने वाले एक प्रतीक, एक चिन्ह के रूप में कन्हैया उभर के आए। यहाँ आईपुगे पुराना कम्युनिस्ट नेता क्षेत्रराम सिंह भदौरिया, जसले कन्हैया को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय देखि बेगूसराय को चुनाव लड़दा सम्म को परिवेश समेटेर तैयार पारे को कविता सुनाए। सुनकर तेरे तराने कन्हैया हम तेरे दीवाने, तेरे साथी तेरे संगी तेरे हैं हम राही, तेरे हैं हम राही, निकल पड़े हैं तेरे संग में, निकल पड़े हैं तेरे संग में, अपना सीना ताने, अपना सीना ताने कन्हैया हम तेरे दीवाने, दीन दुखी का तू साथी है और गरीब का भैया, और गरीब का भैया, चप्पे चप्पे भीड़ लगी है, चप्पे चप्पे भीड़ लगी है, एक झलक पाने, एक झलक पाने, गली गली में तेरी चर्चा, हाथ हाथ में तेरा परचा, निकल पड़े हैं युवक युवतियाँ भैया तुझे जिताने, भैया तुझे जिताने कन्हैया हम तेरे दीवाने, कन्हैया हम तेरे दीवाने। पार्टी कार्यालय में हमने के कन्हैया के इंतजार करत रहने सन। पार्टी कार्यालय में आए लेखक पत्रकार कलाकार के साथ हमने के कन्हैया के बारे में बातचीत भी कई सन।
कन्हैया कुमार इसलिए है कि अभी उनके आगे कोई भी नहीं है। उसने जितनी अच्छे तरीके से और जितना बढ़िया से उसने तमाम मुद्दों को उठाया है, वो यूथ का क्वेश्चन हो, किसानों का क्वेश्चन हो, और उसने जिस तरह से सरकार की नीतियों की पूरी धज्जियाँ उड़ाई हैं, तो इसलिए लगता है कि उसको आना चाहिए। यंग है, पढ़ा लिखा लड़का है, आना चाहिए कन्हैया कुमार। ही विल बी लीडिंग द यंगस्टर्स एंड टू फाइट अगेंस्ट द atrocities or any even to protect our constitution. There is even now danger for our constitution, which we are really feared about the constitution, what our government is doing now. He is a good boy and he protect all the people who is poor and he wants to help them. So we like him and we are help him to contest parliament to win, so we came here. जनता इसको चाह रहा है कि भाई अभी गरीब है, गरीब का भी हिलाफ है, हिसाब करेगा, ऐसी करेगा, हर चीज़ लाएगा, ये बिहार का लिए प्रिपरेशन करेगा इसको। अब क्या चाह रहे हैं कि आपको नहीं कहा जीते? कहीं जीतेगा कन्हैया, उसका अथी है ना, कोई भी चीज़ का इसका अथी है, बना हुआ है, हर चीज़ बना हुआ है, इसका पास में है, इसका बोलवाला है, हर चीज़ है, इसलिए इसको जिताया जाए। सब केहू के बात सकारात्मक ही ना रहे, बल्कि रेत यात्रा में भेटाइल एक मतदाता इन निर्वाचन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उम्मीदवार से जीते के दावी भी कैलन। मोदी जी ये देश ला बहुत बढ़िया काम के लिए बना, देश के मान सम्मान बहल बा, देश में विकास भल बा, हर घर में विकास भल बा, हर गाँव में हर समाज में विकास भल बा, ऐसे हमनी के मोदी जी के लिए चाहता नहीं सर। कन्हैया शाम के 7 बजे आवे की जानकारी भैला बाद हमनी के पटना से आई लेखक पत्रकार बुद्धिजीवी के मार्च पास की ओर गयी सन। घर घर से आती आवाज, आपके पास कन्हैया कुमार, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। मार्च पास के बाद कन्हैया के समर्थन और चुनावी अभियान में सहयोग करे आये प्रकाश राज से संबोधन होके वाला आम सभा में पहुँचने सन। साउथ के फिल्म अब बॉलीवुड में सिंघम वांटेड जैसन फिल्म से चर्चा कमाई प्रकाश के समर्थन से कन्हैया से बीसी जनता उत्साहित दिखाई पड़त रहे। हमनी के प्रकाश राज और कन्हैया के संयुक्त सभा के बाद लौटनी पार्टी कार्यालय। रात के 7 बजे कन्हैया के वहाँ भी कार्यक्रम रहे। पार्टी कार्यालय में बाहर से आयल पार्टी के नेता कार्यकर्ता शुभचिंतक लोग के साथ कन्हैया के भेंट घाट भइल। चुनावी अभियान में व्यस्त भइल कन्हैया तत्काल हमनी के समय देवे के चाहले रहलन, लेकिन अचानक एक गुप्त सभा में वहाँ के संबोधन करे के कार्यक्रम तय भला बाद वहाँ के हमनी के कहानी जहाँ समय मिली वहाँ भी अंतरवार्ता होगी। CPI के विद्यार्थी संगठन के महासचिव विश्वजीत सिंह के सहयोग में एगो साधन हमनी के प्राप्त भइल। हमनी के कन्हैया के गाड़ी के पीछा करत पार्टी कार्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर रजौर गांव पहुंचने सन, जहां कन्हैया आपन चुनावी सभा के संबोधन करत रहन। संबोधन के बाद रात के करीब 1:30 बजे कन्हैया हमनी के अंतरवार्ता देने के समय तय कैलन। ई जोश, ई सादगी और ई वैचारिक निखारपन कन्हैया खातिर बिहान के चुनौती भी है, साथ साथ ही एगो सवाल जीवित बाटे, कन्हैया के अभियान कहीं कोनो समझौता में तो ना हो रहा है। भारत में भएको यो निर्वाचन में नेपाल का तर्फबाट पनि यो निर्वाचन अध्ययन अवलोकन गर्न र कन्हैया कुमार को एजेंडालाई ऐक्यबद्धता जनाउन भनेर केही नेपाली युवाहरू पनि त्यहाँ पुगेको हामीले पायौं। हामीले उहाँहरूसँग पनि छोटो कुराकानी गरेका थियौं। कन्हैया कुमार अहिले विश्व पूँजीवादले जुन समस्याहरू निम्त्याएको छ त्यसको विरुद्धमा बेरोजगार युवाहरूको पक्षमा, आम किसान जनताहरूको पक्षमा, मजदुरहरूको पक्षमा गाँस बाँस कपास स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षाका लागि एउटा विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी राजनीति गरेर चाहिँ उदाएको कन्हैया कुमार सङ्घर्ष गर्दैछ। युवाका समस्याहरू सम्बोधन नगर्ने नेतृत्वका विरुद्धमा जुन तरिकाले चाहिँ उहाँको उपस्थिति देखियो त्यो हिसाबले चाहिँ नेपालको तर्फबाट पनि, नेपालको युवाहरूको तर्फबाट पनि उहाँको विजयको शुभकामनासहित उहाँको एजेन्डालाई, उहाँको चाहिँ जुन भिजन छ, दृष्टिकोण छ, जुन एजेन्डा छ त्यसप्रति एकबद्धता जाहेर गर्नको लागि म यहाँ उपस्थित भएको छु। हामीले देख्यौँ
एउटा छिमेकी मुलुकको नेतृत्व बेठिक भयो भने त्यो छिमेकीहरूले पनि दुःख पाउँछन्। जस्तै नेपालीले नाकाबन्दी भोग्नु पर्यो, यदि त्यहाँ सही प्रगतिशील सबै राष्ट्रहरूलाई चाहिँ समान व्यवहार गर्ने चाहिँ हस्तक्षेप नगर्ने एकअर्काको सम्मान गर्ने खालको नेतृत्व र पार्टी आउँदो हो भने छिमेकीले पनि दुःख पाउँथेनन्। तसर्थ एउटा वामपन्थी पार्टीको नेतृत्व गर्दै कन्हैया कुमारले जित्नुपर्छ। बेगुसरायको निर्वाचनलाई हामी हेर्न पुगेका थियौँ र हामीले हाम्रो साथीलाई चाहिँ एकबद्धता दिनको निमित्त आज बेगुसरायलाई चाहिँ विश्वले चाहिँ हेरिरहेको छ, विश्वले चाहिँ बेगुसराय यहाँ छ भनेर आइरहेको छ। यो चाहिँ एउटा कम्युनिस्टहरूको लागि एउटा प्रगतिशील विचार राख्ने एउटा युवा विद्यार्थीको लागि चाहिँ एउटा तीर्थस्थल जस्तो भएको छ बेगुसराय। हामीले देखेका छौँ कि भिन्न भिन्न पृष्ठभूमिबाट आन्दोलन गरेर आएको पार्टी पनि अहिले एक पार्टी भएर चाहिँ यो मुलुकलाई हाँकिरहेको छ भने भारतमा किन सकिँदैन? भारतमा चाहिँ अझै कमरेड कन्हैया जस्तै थुप्रै त्यस्ता खालका युवाहरू चाहिँ जन्मिनुपर्छ। अब हामी डाक्टर कन्हैया कुमारसँग उहाँले चुनावी अभियान चलाइरहेका बखत रातको 1 बजे पछाडि लिएको यो कुराकानी देखाउन गइरहेका छौँ। कन्हैयाजी, यर वेलकम टु द भ्यू विचार मन्थन इन जनता टेलिभिजन। यु आर एक्टिभली बिङ इङ्गेज्ड इन दिस अल क्याम्पेन। वाट इज द मोटिभेटिङ फ्याक्टर that you look fresh and energetic at this time? It is almost 1 o'clock at midnight. सबसे पहले तो हम व्यू विचार मंथन के सभी ऑडियंस को भारत से अपना नमस्कार करते हैं। और आपका जो ये सवाल है कि आप एनर्जेटिक कैसे फील करते हैं, मुझे लगता है कि आप जिस काम को करते हैं उसमें यदि आपको मज़ा आ रहा हो, उसमें आपका इंटरेस्ट हो, तो आपका एनर्जी लेवल कम नहीं होता है। एक्चुअली ये एक आइडियोलॉजिकल बैटल है, ये मेरे लिए सिर्फ एक इलेक्शन नहीं है। इट्स नॉट जस्ट मेरे इलेक्शन, इट्स अ काइंड ऑफ आइडियोलॉजिकल बैटल। स्पेशली पिछले 5 साल में जो सारे लोग इस करंट रिजिम से परेशान रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट मोदी सरकार, वो सारे लोग कहीं ना कहीं अपने आप को बेगूसराय के लोकसभा चुनाव से रिलेट करके देख रहे हैं। वो कहीं ना कहीं इस इलेक्शन में क्या हो रहा है बेगूसराय में, उससे वो कनेक्टेड है। और ये जो उनका एसोसिएशन है, उस एसोसिएशन से ही जो लव हम लोग रिसीव कर रहे हैं, जो एनर्जी मिल रही है, जो सपोर्ट मिल रहा है, उसकी वजह से ही शायद हम लोग जितना हमारी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा अपने आप को एग्जॉस्ट करके काम कर पाए हैं। जैसे 1 बजे आपको, दिस इज़ माई लास्ट इंटरव्यू, आपको इंटरव्यू दे रहे हैं और सुबह 6 बजे से जो है फिर कैंपेन शुरू कर देंगे। व्हाई यू से दैट दिस बैटल इज आइडियोलॉजिकल डिबेट और आइडियोलॉजिकल बैटल? सी, इट इज क्लियर कट आइडियोलॉजिकल बैटल बिटवीन वन साइड। मोदी इज प्रेजेंटिंग द फेस ऑफ, ही इज द फेस ऑफ कम्युनल फैसिज्म। अब जब हम कम्युनल फैसिज्म कहते हैं तो भारत में ये पॉलिटिकल सिचुएशन दुनिया से थोड़ा अलग है। थोड़ा अलग इसलिए है कि भारत में जो डाइवर्सिटी है उस डाइवर्सिटी को काउंटर करना इनके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए ज़रूरी है। इनका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ये है कि भारत में जो भी रहेगा वो सारे लोगों को आरएसएस की विचारधारा माननी पड़ेगी। और आरएसएस की विचारधारा जो है वो प्रिसाइजली वो एक डाइवर्स कंट्री के लिए कम्प्लीटली एडवर्स है। डाइवर्स कंट्री के लिए वो कम्प्लीटली एडवर्स ऐसे है क्योंकि यहाँ पे सारे लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग तरीके का उनका लाइफ स्टाइल है, अलग अलग तरीके के उनके कल्चरल वैल्यूज हैं, अलग अलग तरीके का उनका अपना कम्युनिटी का हिस्ट्री है। बट दे आर आल्सो टॉकिंग अबाउट द लोकतंत्र लाइक डेमोक्रेसी, हाउ यू कैन एक्यूज देम टेलिंग लाइक फासिज्म? सो हाउ इज इट पॉसिबल? मोदी इज क्लेमिंग ही इज अ वेरी स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर, सो बीइंग एज अ प्राइम मिनिस्टर and if he is a whistle blower of democracy, then why there is mob lynching in India, which is very common? ye incident itna zyada kyun hua? iska ye matlab hai ki inko democracy mein nahi mobocracy mein believe hai. ab aap mujhe bataiye ki jab supreme court ek decision di ki women ko bhi mandir mein jana chahiye, it is the decision of supreme court. pradhanmantri apne election rally mein supreme court ko challenge kar rahe hain, तो इनका मतलब यह है कि इनको ना डेमोक्रेसी में बिलीव है ना डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में बिलीव है। ये डेमोक्रेसी को यूज कर रहे हैं। जैसे
ये हिंदू धर्म के जो सिंबल्स हैं उसको यूज करते हैं हिंदुओं को सेंटिमेंटल बनाने के लिए, कि एक बार हिंदुओं को सेंटिमेंटल बना दिया जाए, फिर उसके बेसिस पे सोसाइटी में पोलराइजेशन करके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दोनों तरीके का बेनिफिट लिया जाए। दिस इज द डिजाइन ऑफ कम्युनल फैसिज्म इन इंडिया। द डिजाइन ऑफ फैसिज्म, हु इज डूइंग, हु इज बिहाइंड दिस ऑल थिंग्स, बिकॉज मेनी फिलोसोफर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स दे आर टेलिंग दैट इट इज द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड एज ऑफ liberal democracy is the ultimate stage of civilization. Then you are talking about the fascism, how this correlates? No, I think ye jo dono hi baat hai wo kai baar apne aap mein jo hai ek extreme position leta hai. Jaise liberal democracy puri tarah se fail hai, ye bhi ek extreme position hai, aur liberal democracy sabse acha hai, ये भी एक एक्सट्रीम पोजीशन है। एक्चुअली कोई भी जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ वो डेवलप होता है। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम इसलिए बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी भी कैपिटलिज्म के साथ आया है और कैपिटलिज्म के साथ ही इसका भी डेवलपमेंट हुआ है। कैपिटलिज्म जब क्राइसिस में होता है तो वो खुद ही डेमोक्रेसी को स्कटल करना शुरू कर देता है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को स्कटल करना शुरू कर देता है। इट डजेंट मीन कि डेमोक्रेसी जो है वो एक फेल्ड पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है। लेनिन खुद कहते हैं डेमोक्रेसी इज इंडिस्पेंसिबल टू सोशलिज्म। और आप ये देख लीजिए कि एक लंबा कम्युनिस्ट रिजीम होने के बाद वहाँ लोग डेमोक्रेसी चाहते थे, कहने को तो डेमोक्रेसी आई है लेकिन पुतिन ही लगातार जीते जा रहे हैं, फिर ये किस तरह की डेमोक्रेसी है? तो मैं समझता हूँ ये दोनों ही एक एक्सट्रीम पोजिशन है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, स्पेशली आपने पूछा कि कौन सी फोर्सेस हैं, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो फिनेंशियल कैपिटलिज्म है जिसका इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन में नहीं है, वो सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज में या आप ये समझ लीजिए कि ब्रोकरी में फिनेंस जनरेट कंपैरेटर कैपिटलिज्म, यस, तो वो जो फिनेंस कैपिटलिज्म है, फिनेंस कैपिटलिज्म जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कॉरपोरेट्स, बिग कॉरपोरेट्स, बिग जायंट्स, और ये जो ऑर्थोडॉक्स फोर्स है सोसाइटी की विच इज बेस्ड ऑन कम्प्लीटली कास्टिज्म, जो मानते हैं कि कास्ट सही है, जो मानते हैं कि नहीं कास्ट होना चाहिए, जो मानते हैं कि इनइक्वलिटी सही है, जो मानते हैं कि महिला और पुरुष जो हैं वो बराबर नहीं हो सकते हैं, जो मानते हैं कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि दलित और ब्राह्मण बराबर नहीं हो सकते हैं। ये जो ऑर्थोडॉक्स फोर्स है ये दोनों मिल करके ये कम्युनल फैसिस्ट डिजाइन को ऑपरेट करते हैं, दे आर दी फोर्सेस। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्ट्रगल व्हिच वी आर सेइंग द स्ट्रगल अगेंस्ट फासिज्म, इज दिस सोशलिस्ट मूवमेंट? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इनटू क्रिएट टर्मोलॉजीज और गिव द particular name to our struggle. Yeah, the but only concern, I listened your recent speech just now here with the people. You do not use such kind of terminology or jargons, but you are candidate of CPI. Yeah. So CPI is Communist Party of India. I didn't take the name of CPI also. See, I am not interested in such kind of political tactics कि जहाँ आप अपनी हर बात को साबित करने के लिए मार्क्स और लेनिन को कोट करते रहें। मैं समझता हूँ कि मार्क्सवाद का अल्टीमेट गोल है सोसाइटी में लोगों का इमेंसिपेशन, और वो इमेंसिपेशन कैसे होगा वो वहाँ के सोशल कंडीशन पे निर्भर करता है। उस सोशल कंडीशन के हिसाब से जो वहाँ के सोशल कॉन्ट्राडिक्शंस हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उस कॉन्ट्राडिक्शंस को रिजॉल्व करके एक इक्वल सोसाइटी जहाँ पे लोगों के पास चीज़ों का इक्वल एक्सेस हो, एजुकेशन का, हेल्थ का, उसके लिए जो है प्रयास करना है, कि एफर्ट करना, मैं उस काम में लगा हुआ हूँ। अब जिसको जो कहना है कहे, कोई जो है मुझे लिबरल कहता है, कोई लेफ्ट कहता है, कोई जो है एक्सट्रीम लेफ्ट कहता है, और कोई कहता है कि नहीं ये तो ना लेफ्टिस्ट है ना राइटिस्ट है, ये अपॉर्चुनिस्ट है, कोई ये भी कहता है, क्योंकि मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं है कि मेरे काम को कोई क्या नाम दे रहा है। मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम कर क्या रहे हैं, एंड हिस्ट्री विल जज अस। हम अपना काम करके चले जाते हैं, फिर आने वाली पीढ़ी हमको जज करती है। इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट
गांधी अपना काम करके चले गए, अम्बेडकर जी अपना काम करके चले गए, आज आज की पीढ़ी जो है दोनों को जज कर रही है। Does Kanhaiya Kumar alone can do all these things because you have to talk about the people participation, participatory democracy and all these things, either Marxism or socialism, this kind of words unites the people. What the people who are activists of such genre, they say like that. What is your feeling? I am not denying the importance of party. See, I am not such kind of freelance activist that I don't believe in organized politics. No, I believe in organized politics. The only problem is organizations should also redevelop their strategy and tactics. Sometimes banner और party जो है वो आगे हो जाता है और जो cadres होते हैं उनका commitment society से ज़्यादा party को लेकर के हो जाता है। यहाँ पे हमें caution बरत रहे हैं, इसलिए हम कुछ term जो हैं उसको use नहीं करते हैं, लेकिन essence वही है, सारी बातें वही हैं। You believe in socialism? Of course I believe. I believe in equality. It means I believe in socialism. But the problem is that एक ही तरह का सोशलिज्म तो नहीं है ना, ये तो कई तरह के सोशलिज्म हैं। तो मेरे लिए ये इंटरेस्ट है, but Marx has said that scientific socialism. See, तो मार्क्स जो कह रहे हैं, गांधी जो कह रहे हैं, अंबेडकर जो कह रहे हैं, हम समझते हैं कि इसका अगर एक सिंथेसिस बनाया जा सकता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, उसको हम करने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे भी हम जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वर्ल्ड नहीं है। वर्ल्ड व्यूज है हमारा, वर्ल्ड को लेकर के हमारा व्यूज ये है कि जब तक कैपिटलिज्म रहेगा दुनिया में, जब तक इम्पीरियलिज्म रहेगा, तब तक वॉर रहेगा, और हम लोग वॉर के खिलाफ हैं। वॉर नहीं होना चाहिए, पीस होना चाहिए, बॉर्डर की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं तो ऑब्वियसली ये कम्प्लीटली एक मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है, लेकिन जब हम भारत के किसी गाँव में आकर के बात करेंगे तो हमको कास्ट क्वेश्चन से डील करना पड़ेगा, उसके लिए हमको अंबेडकर की जरूरत है। ओके, देन कम टू द इलेक्शन अगेन, डू यू थिंक यू आर गोइंग टू विन द इलेक्शन? आर यू श्योर? आई हैव ऑलरेडी वॉन दिस इलेक्शन, बिकॉज हमारे पास कुछ नहीं है। जिस तरीके से लोगों का एक ऑर्गेनिक सपोर्ट मिला है, जिस तरीके से पूरे देश से लोग आए हैं, इनफैक्ट आप कह लीजिए कि दुनिया के कुछ हिस्से के भी लोग आए हैं बेगूसराय का इलेक्शन देखने के लिए, इंडियन डेमोक्रेसी कैसे चलता है, इलेक्शन कैसे होता है उसको ऑब्जर्व करने के लिए आए हैं। जिस तरीके से ऑर्गेनिकली लोगों ने फिनेंशियली हेल्प किया है, फिजिकली हेल्प कर रहे हैं, जिस तरीके से सपोर्ट और लव हम रिसीव कर रहे हैं, हमको लगता है कि इससे बड़ी जीत और क्या चाहिए। रही बात 23 मई को जब फाइनल रिजल्ट आएगा, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। मुझे लगता है कि अगर इस स्तर पर हम लड़ाई जीत चुके हैं तो वो लड़ाई भी हम 100% जीतेंगे। कैन यू लिस्ट सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेसिस ऑफ योर इलेक्शन विन विक्ट्री? सी, आई कैन से आज भी भारत में और खास करके बिहार में लोग जो एक जेन्यून स्ट्रगल होता है उसको रिस्पेक्ट करते हैं, लोग उससे कनेक्टेड फील करते हैं, और उसकी जो जेन्युइनिटी होती है उसमें इतना पावर होता है कि वो बड़े से बड़े ताकतवर जो फोर्स है उसको टर्न डाउन कर सकता है। मेनी ऑफ द लीडर्स हु कम लाइक स्ट्रगलिंग लाइक यू, दे बिकम पॉलिटिशियंस, दे कम इनटू द पावर पॉलिटिक्स एंड आफ्टर करप्शन चार्जेस एंड मेनी अदर एलिगेशंस, सीरियस एलिगेशंस आर अपॉन देम, डू यू थिंक एनी सच टाइप ऑफ थिंग Me happen to you? I told you ना, it happens because कि हम सोसाइटी को छोड़ करके पार्टी को जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। I told you that is my answer कि ये जो पावर पॉलिटिक्स शुरू होता है, वो पावर पॉलिटिक्स को आप देखेंगे कि वो नेक्सस किस तरीके से तैयार होता है। वो पावर पॉलिटिक्स जो है आपको फैमिली में भी दिखाई देगा, आपको पार्टी में भी दिखाई देगा, आपको ऑफिस में भी दिखाई देगा। पावर पॉलिटिक्स जो है वो सिर्फ विधानसभा, असेंबली और लोकसभा में नहीं होता है, पावर पॉलिटिक्स हर जगह होता है। लेकिन पॉलिटिक्स अगर इमेंसिपेशन का हो तो इंसान अगर उसके साथ अपना कमिटमेंट अटैच करके रखे, फिक्स करके रखे, तो उसके करप्ट होने के चांसेस बहुत कम है।
we are talking about Azadi's liberty. What are the major points in there? I'm talking about Azadi in India and the very important thing which I want to mention. हम लोग देश से आज़ादी नहीं चाहते, देश में ही आज़ादी चाहते हैं. देश में हम आज़ादी चाहते हैं गरीबी से, भुखमरी से, एंड पॉवर्टी, हंगर, लाइक इनइक्वालिटी, हम इन चीज़ों से जाना आज़ादी चाहते हैं. But you are also accused with some of the serious allegations like traitor of the country. I think it is kind of reward in these days. Traitor, अगर आज के डेट में आपको ट्रेटर नहीं कहा जा रहा है, इट मीन्स कि आप देश को लेकर के चिंतित नहीं हैं. आज जिसको भी देश के प्रति चिंता होगी वो इस रिजीम से लड़ेंगे, और इस रिजीम से जो भी लड़ेगा उसको ट्रेटर कहा जाएगा. यू नो द हिस्ट्री ऑफ सेडिशन, कि इस लॉ का किस तरीके से यूज किया जाता है. इस लॉ का यूज हमेशा स्टेट, जो वॉइस ऑफ डिसेंट होता है, उसको स्कटल करने के लिए करती है. What plans do you have to address the problem associated with the youths and unemployment? See, the question is very short, but answer should be very long. Answer is कि जो अभी development का model चल रहा है, ये development का model ही unemployment create कर रहा है. एक alternative model की अगर हम बात करें तो आज production problem नहीं है, even over production problem है. तो डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत है. जॉब के कॉन्सेप्ट को ही हम लोगों को बदलना पड़ेगा, कि हर किसी को 8 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा काम करने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है. आज हर किसी को 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम तो ओवर प्रोडक्शन का प्रॉब्लम झेल रहे हैं. आज तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है, कि एक्यूमुलेट हो गया है, प्रॉपर्टी एक्यूमुलेट हो गई है, प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट हो गए हैं. आप देखेंगे एक इंसान के पास जो है फैमिली 4 है, घर उसके पास जो है 50 महले का है, 50 स्टोरी जो है उसके पास बिल्डिंग है जिसमें रहने वाले 4 लोग हैं. That's why I'm telling you, the problem is accumulation of property. तो उसमें जो है एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट हम लोगों को बदलना पड़ेगा. और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट यदि हम जनरेट करना चाहते हैं तो बिग इंडस्ट्रीज की तुलना में स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज के चेन को डेवलप करना पड़ेगा. Many lefts all over the world are looking at you. Do you have anything to say to them? I don't think कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ कि मैं पूरी दुनिया के लेफ्ट को कुछ कहूँ. मैं भी पढ़ता हूँ, सीखता हूँ, गलती करता हूँ, उससे सीखता हूँ. हमारे पास बस यही एक होप है कि जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, जो लेफ्टिस्ट लोग हैं, जो सेकुलर माइंड के हैं, जो इक्वलिटी में बिलीव करते हैं, जो चाहते हैं कि इमेंसिपेशन हो सबसे मार्जिनलाइज लोगों का, जो चाहते हैं कि वर्ल्ड में पीस हो, दे शुड बी यूनाइटेड एंड दे शुड फील कि वो सब साथ रहें, यूनाइटेड रहें. और जो एक्सट्रीम आइडियोलॉजी है जो मानवता को आपस में बांटती है, उससे हम लोग मिल करके फाइट करें. Do you think any associations is needed regarding internationalism? There are many organizations. The problem is they are not too much functional. We need to make it more functional. Okay, then the last one. If you are elected for the Lok Sabha, and what will be the first 2-minute speech in that hall? That you have to wait. आजको द भ्यू विचार मन्थनको यो विशेष श्रृङ्खला यहीँ टुङ्गिएको छ. हामीले द भ्यू विचार मन्थनको रेगुलर कार्यक्रम यसको नियमित समयमा प्रसारण गर्ने नै छौँ. तपाईँहरू जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्. आजलाई द भ्यू विचार मन्थन यति. नमस्कार.